नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क यूपी स्पेशल। आज हम वाराणसी में हैं। कई बार हम अपने डर का सामना नहीं करते, दिल से निकालने की बजाय उसे अपनी आंखों में मूंद लेते हैं और डर हम पर और हावी हो जाता है। हबीब, नजीब, उधर मत जाओ, इधर ही खेलो। अरे कहा ना, सुनते काहे नहीं हो? हम उधर नहीं जा सकते, किसी ने हमको देख लिया ना तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो इधर आकर खेलो। रेहान भाईजान, रात में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शहनाज, आटा आलू तो बचे थे ना? कहाँ भाईजान, जो था वो मैंने बना दिया, अभी कुछ नहीं बचा है। हम कुछ करते हैं, देखें अगर कोई कुछ काम दे दे तो अच्छा रहेगा। क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि इस तरफ मत आया कर। हमें कोई काम दे दो बड़े अब्बू। तुझे काम दे दो? अरे अगर किसी ने तुझे यहाँ देख भी लिया तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। जा यहाँ से, जा। हमारे पास खाने के लिए निवाला तक नहीं है। चार दिन से शहनाज, हबीब, नजीब ने ठीक से खाना नहीं खाया है। ठीक है ठीक है, मैं तेरी बड़ी अम्मी से कह दूंगा, वो जाकर तुम लोगों को खाना दे आएगी। अब जा यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुन इमरान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ पर आया था। जी। इसमें कुछ रोटियां और सब्जी है, रखो और दोबारा ना दुकान पर मुंह उठाकर मत आना। चार बच्चे कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र के पास रह रहे थे। उनका घर पास में ही था, लेकिन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो अपने घर में जाकर रह सकें। ना तो कोई उनसे बात करने को तैयार था और ना ही कोई काम देने को। उनकी जिंदगी बस लोगों की दया और तरस पर कट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें गाँव से निकाला गया है।
लेकिन किस लिए? अशफाक, ये वोटिंग रजिस्टर नहीं है, दूसरा दीजिए, जनगणना काम है ये। अरे अभिदा का यहाँ लड़का हुआ है पर उसका सर्टिफिकेट तो यहाँ लगा ही नहीं है। लो भैया, अब उसने नहीं लगाया तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर जनगणना में तो देना होगा ना। हम दीप्ति मैडम को बता देते हैं, अब देखो वो क्या करती हैं, बगैर सर्टिफिकेट के वो लेंगी कि नहीं लेंगी। आइए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप सर? जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं दीप्ति जी। मैडम, वैसे तो आप जनगणना के काम से आई हैं, लेकिन कुछ और भी काम है, एक बार आप देखकर बड़े अधिकारियों से बात कर लीजिए तो सबकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये काम निपटा लेते हैं फिर। जी आइए ना, बैठिए। हाँ। बैठिए बैठिए। पिछली बार से इस बार कुल 12 नाम जुड़े हैं और 14 नामों को हटाया गया है। जी, अब इस दुनिया में आना और इसे छोड़कर जाना इंसानों के हाथ में थोड़ी ना होता है। दीप्ति जी। हाँ बोलिए सुदेश जी। बताइए ना, क्या बात है? दीप्ति जी, जिन 14 लोगों के नाम काटे गए हैं उसमें 4 लोग मरे नहीं, उनके नाम जबरदस्ती काटे गए। लो भैया, इनके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है, अपने गांव की बात का ढिंढोरा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हाँ तो पूरी दुनिया को भी तो पता चले इस गांव के फैसले का। कैसा फैसला? जी उन 14 लोगों में 4 लोग अभी भी इसी गाँव में रह रहे हैं। तो फिर उन 4 का नाम इसमें दर्ज क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? कोई क्या कर सकता है, पंचायत का फैसला था। सिर्फ पंचायत ही क्यों, रिश्तेदारों ने भी इसमें हामी भरी थी। अशफाक जाओ और कासिम भाई को बता, उनके सुदेश ने क्या रायता फैला दिया है। अरे मैडम जी, मैडम जी रुकिए रुकिए रुकिए, इन लोगों से दूर ही रहिए। क्यों, इन बच्चों का तो घर है ना, फिर ये यहाँ क्यों रह रहे और इनका घर बंद क्यों पड़ा है? अरे मैडम जी, आप कायम पछड़े में पड़ रही हैं, ये गांव का मामला है और आपको हमारे निजी मामले में पड़ने की जरूरत ना। 5 दिन इनके चचा हैं और इन जिंदा बच्चों को उनके घर से निकाल कर कब्रिस्तान में फेंकने के फैसले में इनकी भी रजामंदी थी। अरे लेकिन बात क्या है, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं, ऐसा क्या कर दिया है इन बच्चों ने जो आप इन्हें ऐसे सजा दे रहे हैं? अरे ये मारे खुद तो मरेंगे ही, साथ में हमको भी अपने साथ ले जाएंगे। मतलब? मैडम इनको एड्स है,
वो HIV वाला। एड्स? लेकिन आप लोगों को कैसे पता? मैडम जी, अल्लाह के वास्ते इन सब चीजों से आप दूर रहिए। आप जनगणना के लिए आई है ना, आपका दिल करे तो जिंदा लोगों में इनको भी गिन लीजिए, लेकिन हमारे लिए ये मर चुके हैं बस। और इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अरे हम लोगों को अपनी तरह से रहने दीजिए बस। सुदेश जी के पेट में काहे दर्द हो रहा है? अरे जो भी है, जैसा भी है, हम ही तो कर रहे हैं ना बच्चों का। अरे पगला गए हैं सुदेश जी, और साथ में मजहर का भी दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। एक तो नेकी करो, ऊपर से जूते भी खाओ। अरे पाल रहे उन्हें, कहना काफी नहीं है? ऐसा लगता है हम लोगों ने ही कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। यू नो, तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि आज तक उन लोगों ने उन बच्चों का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया है, बस ये मान के बैठ गए कि उन्हें एड्स है। व्हाट? पर बिना टेस्ट के वो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? गॉड नोस। फिर भी वो लोग उन बच्चों को कब्रिस्तान में कैसे रख सकते हैं? आशीष, तुम अपने न्यूज़पेपर में इन बच्चों के ऊपर कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखते? देखो ना अपने एडिटर से बात करके, हो सकता है वो इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। सी, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये न्यूज़ पहुंचा पाऊंगी। हमें उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, हो सकता है ये सब करने से ही कोई बात बन जाए। हाँ मम्मी, आई थिंक आई डू इट, लेकिन पहले मैं जाके उन बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे इस बारे में थोड़ी और डिटेल पता चल सके। दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक गॉड गांव से किसी ने तो मुझे ये बात बता दी, वरना मैं तो अपना काम करके आ जाती और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। यू नो, सबसे सैड पार्ट क्या है, आज गांव के ग्रोथ के लिए कितने सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई रिमोट विलेजेस हैं जिनके लिए ये सब प्लान्स बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि विकास की कोई भी योजना इन तक पहुँच नहीं पाती, वो बस खुद में और अपनी पंचायत में सिमट कर रह जाते हैं। मैं अपने एडिटर से बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि वो स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। रेहान शेख जी, मैं आशीष हूँ, दीप्ति गुप्ता का बेटा, वो जो कल यहाँ आई थी ना, मैं एक रिपोर्टर हूँ, एक अखबार के लिए लिखता हूँ। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि गांव वाले ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तुम लोगों को एड्स है, और उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर क्यों किया है। देखो, शायद मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकूँ, तो क्या तुम लोग मुझे बताना चाहोगे आखिर हुआ क्या था? अब बताओ। वो कब्र मेरे अब्बू मरहून मंसूर शेख की है। अब्बू ट्रक चलाते थे। बहुत घूमते थे अब्बू अलग अलग शहरों में, जहाँ उनका काम उनको ले जाए। हमारी अम्मी यही गांव में ही किराने की दुकान चलाती थी।
हम और शहनाज गांव में ही पढ़ने जाते थे। यहीं पास में हमारा घर भी है। ये हबीब और नजीब ये दोनों भी स्कूल जाते थे। 2 साल पहले एक दिन अबू जब घर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे थे। बहुत बुरी हालत थी उनकी। अरे भाई मंसूर, क्या हुआ, क्या है तुम्हें? भाईजान आप ही पूछिए, हमको तो कुछ बता नहीं रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा भाईजान, 6 महीने हो गए। वहां शहर में अल्लाह जाने कितने टेस्ट करवा चुका हूँ। यहाँ खटिए पे पड़े रहने से ठीक हो जाओगे? नादरा इसे जिला अस्पताल ले जाओ। जी भाईजान। ये सारे रिपोर्ट्स आपकी हैं? जी। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयाँ तो दी होंगी ना? जी जी दी हैं, इन्होंने बताया हमको और हम इनको सही समय पर दवाइयाँ देते भी हैं। आपके शौहर को एड्स है और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या कर क्या रहे थे तुम वहां शहर में? धंधे वाली के पास जाते थे? नादरा तू, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुलगुलाता फिर रहा है? तुम तो थी ना शहर में उसके साथ कुछ दिन के लिए। भाईजान अब हमको क्या पता, हम तो वही जानेंगे ना जो ये हमको बताएंगे। तो तुम इन्हें खुश नहीं रख सकती थी? पता भी है कि इन्हें हुआ क्या है? अगर गांव वालों को पता चला ना तो थूकेंगे हम पर, हमारे पूरे खानदान पर। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनश शिरातल मुस्तकीम शिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल महदूब अलैहिम वलद्दाल। कुछ ही दिनों में अबू अल्लाह को प्यारे हो गए और ये सब तभी से शुरू हो गया। गांव में लोगों ने हमारी दुकान से कुछ भी खरीदना बंद कर दिया था। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। देख अब तेरी दुकान से कोई भी कुछ नहीं खरीदेगा। भाईजान हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे? आप ही कुछ कीजिए ना। हम किए तभी तो तुम लोग गांव में अब तक हो, नहीं तो सब तो तुम्हें निकाल कर गांव के बाहर फेंकना चाहते थे। हम तो यही कहेंगे कि गांव के बाहर जाकर कोई धंधा पानी ढूंढो। मंसूर को ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। तुझको तो पता है ना राबिया और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था? ये राबिया कौन है और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था? वो लोग इसी गांव में रहते थे, उनके शौहर को भी यही बीमारी हो गई थी, HIV वाली। बहुत परेशान हुए थे वो लोग, थककर गांव ही छोड़ गए। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहां गए, क्या हुआ। मंसूर एक ट्रक ड्राइवर था, वो तो चला गया लेकिन अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गया, जिनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई दूसरा सहारा, और ना ही उनके पास ये रास्ता था कि वो अपना गांव छोड़कर कहीं और जाकर घर बसा सकें। हमने हाईवे पर खाने पीने की छोटी सी दुकान डाल दी। जब तक हम स्कूल से ना जाएं, अम्मी उस दुकान को देखती थी। स्कूल से आ जाने के बाद हम और शहनाज मिलकर दुकान संभालते थे। फिर
एक दिन हमारी अम्मी बहुत बीमार पड़ गई। पूरे दिन पानी की तरह पसीना बहता रहा। नादिरा, तुमको भी तुम्हारे शौहर वाली बीमारी है, तुम्हें भी एड्स है। इस बार जनाजा उठाने के लिए कोई भी नहीं आया। हमारी 10वीं की परीक्षा के 4 दिन बाद ही अम्मी गुजर गई। हमने अम्मी को कहा था कि अगर हम पास हो गए तो हम शहर जाकर कोई नौकरी कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। अभी तो हम अब्बू के सदमे से निकले ही नहीं थे कि हमारी अम्मी भी गुजर गई। अभी तो हम सोच ही रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे सबको। लेकिन गांव वाले तो हमसे कई ज़्यादा परेशान थे। वो तो इस गांव को हमारे साये से भी दूर रखना चाहते थे। भैया देखो, मंसूर को थी ये बीमारी और नादिरा को भी। इससे ये साफ है इन बच्चों में भी वो बीमारी जरूर होगी। एकदम पक्की बात है। जरूर कोई बुरे काम किए होंगे, तभी तो ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे कहीं ये बीमारी हम सभी को ना निगल जाए। देखिए, ये बात सरासर गलत है। मंसूर ने गलत काम किए होंगे तो उसे ये बीमारी हो गई, और नादिरा उससे तो पता भी नहीं था इसलिए वो भी बीमार पड़ गई। लेकिन इन बच्चों की बीमारी कैसे हो सकती है? हाँ, हमने सुना है कि ये बीमारी हवा पानी में घुलने से नहीं फैलती। भाईजान, आपकी अतकचरा जानकारी के चलते हम पूरी गांव के जान के ऊपर ये आफत नहीं पाल सकते। कासिम भाई, अब आपके मुंह बंद करके बैठे हैं। अरे मंसूर आपके छोटे भाई थे ना। भाई हम बोले तो क्या बोले, हम भी तो ये गांव के ही हैं। हमारी भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी उनकी जान की फिक्र है। तो क्या आप रखेंगे इन चारों को अपने घर में? अरे ईका बाजी, अरे हमारे रिश्तेदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथों से अपना गला दबा ले। देखो देखो भाई, हम तो हसन, आलम, जहां और जमील की बात ही मानते हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए आफत है। अरे हमें जब मंसूर के बारे में पता चला तभी नहीं उठाकर गांव के बाहर फेंक देना चाहिए था। देखिए ये भी गलत होता, पिछली बार राबिया और उसके शौहर के साथ हमने वही किया था। सुदेश भाई, आप चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, लेकिन ये बात हम कभी नहीं मानेंगे कि एक घर के लिए पूरे गांव को आग लगा दी। अरे भाई ये तो मनमानी है। मनमानी नहीं है मजर भाई, ये फैसला इतने लोगों ने मिल के लिया है, फिर आप दोनों के बोलने से क्या होगा? अरे हमें तो लगता है इनको यहाँ गांव में रखना ठीक बात नहीं है। हमारी छोड़ो, उनके चाचा का भी तो यही मानना है, अगर वो इनके साथ रहे तो ये बीमारी इनको भी लग जाएगी। बिल्कुल, वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें इस तरह उठाकर गांव से बाहर ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? देखो भैया, अब हम उन्हें इस गांव में नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर आप सबकी रजामंदी है तो कब्रिस्तान में रहने की जगह दे सकते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, वो इस गांव का कब्रिस्तान है, हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांगने उनके कब्र पर जाया करते हैं। तो भाई कोई और जगह बांध दो इनके लिए। उनकी माँ बाप की कब्र के पास, ये वहां रहेंगे तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा इनसे। आप लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अब आपको जो समझना है वो समझिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरे गांव में गिद्ध मंडराएंगे और हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। भाई हमारे हिसाब से तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है। सुदेश भाई, इतने भी बेरहम नहीं है हम लोग। अरे उन बच्चों के खाने पीने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर दिया जाएगा। देखिए उसकी फिक्र करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, वो हमारा खून है, हमारे भाई के बच्चे हैं, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी। तो फिर ये तय रहा,
आज से ये बच्चे कब्रिस्तान में अपने अम्मी अब्बू के कब्र के पास में ही रहेंगे। बड़े अब्बू आकर बोले कि अब तुम लोगों को घर छोड़कर कब्रिस्तान में ही रहना होगा। तब से हम लोग यहीं हैं। साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमें कोई काम दिलवा देंगे? हमारे भाई बहन बहुत छोटे हैं, हम दो पैसा कमाकर इनका और अपना पेट पाल लेंगे। रेहान, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। क्या और कितना ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। भाईजान, क्या हम लोग भी बीमार हैं? मालूम नहीं, लेकिन हम पढ़े हैं कि ज़रूरी नहीं ये बीमारी हमें भी हो। भाईजान, पानी ख़त्म हो गया है, हम लाते हैं। ए, हम पूछते हैं आगे जांच करवा कर क्या हुआ? उनके अब्बू को बीमारी थी, अम्मी को बीमारी थी, अब ये तो मानी हुई बात है कि बच्चे भी बीमार होंगे। तो इस लॉजिक से तो आपको, आपकी पत्नी और आपके बच्चों को भी ये बीमारी होनी चाहिए। तो भाई, आपके पास कोई दूसरा काम धाम नहीं है क्या? गाय गाँव में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें उनकी फिक्र नहीं है। हमारे भाई के बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते हैं ना। और उन्हें गाँव से निकालने का फैसला सिर्फ हमारा नहीं था भाई, पूरे गांव का फैसला था। पर कहां हमसे दूर है बच्चे, हमारे नजरों के सामने हैं, और हमारी बेगम रोज जाकर उन्हें खाना देकर आती है। वो बच्चे जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे। तो किसने कहा था उनके अब्बू को कि जाकर बाजार में मुंह मारे? हाँ, और उनकी अम्मी, उन्हें तो अपने शौहर की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं। इन सब में उन बच्चों की क्या गलती है? देखो भैया, आप लोग पत्रकार हैं, गरम गरम खबर ढूंढ कर उसे छापते हैं, लोग मजे लेकर उसे पढ़ते हैं, दो तीन दिन तक ऊहा करते हैं, फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। जाइए यहाँ से, हमारी जिंदगी को अपनी खबर मत बनाइए, जाइए। तो क्या मुंह देख रहे हो भैया, गोश्त पहुंचाना है, जल्दी करो। ला, एक मिनट। गांव वालों ने मिलकर उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अमानवीय फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए उन गाँव वालों को सजा देने से ज्यादा जरूरी उन बच्चों को वहां से निकाल कर पुनर्वास करने की है। उन्हें जांच की ज़रूरत है और एक बेहतर ज़िंदगी की। गांव वालों ने जो कुछ भी किया है ये उनकी अज्ञानता की निशानी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर गांव वाले को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वो भविष्य में किसी बीमार को या उसके घर वालों को गुनहगार मानकर गांव से ना निकाले, बल्कि अपने अंदर के डर और अज्ञानता को दिल से निकाल कर फेंक दे। आशीष का आर्टिकल बहुत जल्द सबकी नजरों में आ गया। ये न्यूज़ दूर दूर तक फैलती गई, लोकल मीडिया से नेशनल मीडिया तक। अब ये सिर्फ एक छोटे से गांव की घटना नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका था।
बच्चों के माता पिता की मौत एड्स की वजह से हुई है और बिना किसी मेडिकल जांच के इस पूरे गांव का मानना ये है कि इन बच्चों को भी एड्स है। 6 महीने से बच्चे इसी कब्रिस्तान में रह रहे हैं। इन्हें तो इतनी भी आजादी नहीं कि ये इस कब्रिस्तान में घूम फिर सके। इनका दायरा सिर्फ इनके माँ बाप की कब्र तक ही सीमित है। हम आशा करते हैं कि ये न्यूज देखकर हमारे प्रशासन की आंखें जरूर खुलेंगे। अभी अभी मिली ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारे इस रिपोर्ट को हायर अथॉरिटीज भी देख रही है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल ने भी इन सब पर तुरंत एक इंक्वायरी करने का फैसला किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट ने प्रशासन को भी इन सब पर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, दर्शकों, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें ट्वीट कीजिए, लिखिए #condemnchildren पर। तब तक कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं शिवांग सिंह, नेशन न्यूज। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे काशम भाई, हाँ, चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे सारे टीवी चैनल्स पे आपके भतीजे और भतीजों की बात फैल चुकी है। जिला कार्यालय से फोन आया था, वो लोग आज ही यहाँ आ रहे हैं। इन बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे डॉक्टरी जांच के लिए। अरे तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया था जो जनगणना के काम में सुदेश जी को शामिल किया। ये सारी सरदर्दी वहीं से शुरू हुई है। मम्मी, आपको पता है वो आर्टिकल आग की तरह फैल गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब उन बच्चों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, अभी पहले तो उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और हायर अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि इस बात का खास ध्यान रखें कि उन बच्चों को अब और परेशान ना किया जाए और साथ ही उन्हें रिहैबिलिटेट भी किया जाए। भगवान का शुक्र है, ये सब करने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ मम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटा सा आर्टिकल नेशनल हेडलाइन बन जाएगा। अच्छा है। मैंने इन सब के टेस्ट रिपोर्ट्स देख लिए हैं। ये बच्चे बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी किया गया वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बच्चे HIV पॉजिटिव नहीं है, इन्हें एड्स नहीं है। इन बच्चों को बीमार मानकर आपने जिस तरह की जिंदगी इन्हें जीने के लिए मजबूर किया, ये बहुत गलत था। इन बच्चों के ऊपर हुए अत्याचारों को देखते हुए और ये जानने के बाद कि इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। देखिए, आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन बार बार ये मत कहिए कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं और अल्लाह जानता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में किया है। फिर हमने इनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा था, इनकी सारी जरूरतें पूरी की हैं, खाना कपड़ा सब। तो ठीक है, आप ही मुझे बता दीजिए, खाना देना, तन ढकने के लिए कपड़े देना काफी है? ये बच्चे यहाँ अपने घर में रहना चाहते हैं, एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या ये इनका अधिकार नहीं है? मैं आपको यहाँ बस यही बताने आई हूँ कि अब आप इन बच्चों को और परेशान नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि आप लोग ये मानते हैं कि आपसे गलती हुई है और अब आप इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। स्मृति जी, इस पंचायत का सदस्य होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम किसी और को बहिष्कृत नहीं होने देंगे। जी, हम भी आपको अपनी जुबान देते हैं। देखिए, अब जब हमें पता चल चुका है कि इन्हें इनकी अम्मी अब्बू वाली बीमारी नहीं है, तो हम भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं, हम अपने इन बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हम तुमसे कह रहे हैं ये हमारी बहन, ये हमारी बहन, छोड़ो।
और कितना टाइम लगेगा? देरी हो रही है। बस बस आई भाईजान, चलो 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 प्रशासन ने उन बच्चों को एक जमीन आवंटित की है ताकि वो वहां अपना नया घर बनाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। बच्चों का एडमिशन एक नए स्कूल में करवा दिया गया है। उनके चाचा कासिम से कहकर बच्चों का एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया है जिसमें सरकार द्वारा दी गई मुआवजे की राशि को जमा किया गया है। रेहान ने काम शुरू कर दिया है, बाकी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। शहनाज घर का काम संभालती है। अब उन बच्चों के प्रति गाँव वालों का रवैया भी बदल गया है। अब वो उन्हें परेशान नहीं करते हैं और साथ ही साथ गांव में एड्स को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। बच्चों की जिंदगी अब फिर से सामान्य हो रही है, वैसी जैसी जिंदगी पर किसी भी इंसान का हक होता है। गांव के कुछ लोगों और एक ब्लॉक लेवल की कार्यकर्ता ने कुछ गलत होते देखा और अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने की कोशिश की। उनका बेटा एक न्यूज रिपोर्टर, उसने अपने दायरे से बाहर जाकर उन बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश की और सबने मिलकर उन बच्चों की सहायता की। इन सबको देखकर एक बात जहन में आती है कि वो सारे क्षेत्र, प्रांत और गांव जो दूर बसे हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जुड़े रहने के बाद भी बहुत सी जरूरी चीजों से वंचित रह जाते हैं। आजादी के 67 सालों के बाद भी हमारे देश का सच यही है कि ऐसे बहुत से शहर हैं जिनका विकास हुआ है, जिनके पास जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ऐसे इलाकों और ऐसे गाँव की भी कमी नहीं है जिनके पास ये सुविधाएं बिल्कुल नहीं पहुंची। इन बच्चों को उनकी जिंदगी वापस मिल गई, ये सच में बहुत ही सराहनीय बात है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि कोई भी इंसान तब तक बर्दाश्त करता रहे जब तक उसकी परेशानी पर किसी की नजर ना पड़े, जब तक कि कोई और आवाज ना उठाए? क्या यह जरूरी है कि किसी भी चीज को तब तक सहना पड़े जब तक कि सबका ध्यान उस पर ना जाए और वो उसे ठीक करें? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.